गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। आज आपको बताएंगे न्यूक्लियस के बारे में। आप चैनल के साथ बने रहिए और इसके कुछ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं हम लोग धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सेल चैप्टर से है, क्लास 11 के चैप्टर से है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से है, जिसमें कि हम लोग को क्या पढ़ना था, सेल के स्ट्रक्चर और मतलब ऑर्गेनल के बारे में। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑर्गेनल के बारे में पढ़ाया, आज बारी है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस देखिए सेल ऑर्गेनल है। ये क्या है? सेल का एक ऑर्गेनल है जो कि दोनों में कॉमन है। बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। हाँ, बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको पढ़ा के रखा है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि उस पर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। अगर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंपोनेंट मौजूद है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लॉट करने वाले हैं। अगर एब्सेंट है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन तो जो भी मटेरियल है उसके अंदर जो भी केमिकल कॉम्पोनेंट है तो वो साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, फ्रीली फ्लॉट करेगा। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपका केमिकल आपका मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही रहता है। इसके मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कॉम्पोनेंट है वो साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। अब दूसरी बात है कि न्यूक्लियस तो आप जान रहे हैं कि ये सेल ऑर्गेनल है। दूसरा है कि ये सेल का कह सकते हैं एक तरह से डायरेक्टर ऑफ द सेल है, सेल का डायरेक्टर है। अगर कहा पूछा जाए तो आप उसको सेल के डायरेक्टर भी बुला सकते हैं और इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं तो ये बताइए कि ब्रेन का काम क्या है। ब्रेन का काम क्या है? ओवर ऑल चीज़ को कंट्रोल में रखना। जैसे हमारे पास भी ब्रेन है, सभी के पास जो ब्रेन है CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसका काम क्या होता है, ओवर ऑल बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है ब्रेन। तो यहाँ भी अगर सेल में सेल के न्यूक्लियस को अगर हम ब्रेन बुलाते हैं तो ये कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनल है सेल के, इसके अलावा और भी तो ऑर्गेनल है जैसे कि आपका गॉल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकेस ऑफ प्लांट सेल प्लास्टिक, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है। तो सेल ऑर्गेनल को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन का नाम क्या है, आपका न्यूक्लियस। ये बात क्लियर हो गई। क्यों हम लोग इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं? इसलिए सारे ऑर्गेनल का कंट्रोलिंग पावर इसके हाथ में होता है। अगर ये ब्रेन है, इस कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी, वही चीज़ लिखा हुआ है, सारे सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले जो ऑर्गेनल है सेल ऑर्गेनल, वो है न्यूक्लियस। कहता है कि इन केस ऑफ एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ये देखिए पूरे न्यूक्लियस का मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है बोर्ड पर। क्लियरली मैं आपको सारी बात को समझाने वाला हूँ, आप चैनल के साथ बने रहिए। कि न्यूक्लियस इज सेंट्रिक इन केस ऑफ एनिमल सेल। कहता है एनिमल सेल के केस में जो ये न्यूक्लियस है, सपोज ये हमारा सेल है और ये न्यूक्लियस, कहता है सेंट्रिक होता है। सेंट्रिक का मतलब है कि सेंटर पे होता है, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट सेल। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल सेल ये क्या होता है, सेंट्रिक होता है, सेंटर पे होता है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल क्या कहता है, ये थोड़ा क्या होता है, एसेंट्रिक होता है, मतलब पेरिफेरल पोजिशन को ले लेता है। तो पेरिफेरल पोजीशन लेने के पीछे इसके कारण ये है कि प्लांट सेल में एक लार्ज साइज का वैक्यूल होता है, ठीक है, प्लांट सेल में लार्ज साइज वैक्यूल के कारण, वैक्यूल में क्या होता है, वाटर स्टोर होना जरूरी होता है प्लांट सेल में, कि इसलिए कि ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन बहुत सारे प्लांट में क्या वाटर का लॉस होता है, इसलिए प्लांट सेल में एक ऐसा अच्छा डिज़ाइन है जिसमें कि बड़ा सा कंटेनर है, वहाँ पर पानी जमा होकर रहता है। इसके कारण क्या है, लार्ज साइज वैक्यूल के कारण क्या है, इसका जगह थोड़ा सा क्या होता है, मान लीजिए वॉक्यूल है लार्ज साइज का, ये थोड़ा सा क्या होता है, धसक जाता है, चला जाता है पेरिफेरल पोजीशन पे। तो पेरिफेरल पोजीशन पे रहने के कारण समझ गए क्यों है, ड्यू टू लार्ज साइज वॉक्यूल्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। क्लियर? अब ये न्यूक्लियस इज विजिबल, कहता है कि न्यूक्लियस आपको दिखने वाला है। कब दिखेगा?
इन कहता है इंटरफेज कंडीशन में आपको ये दिखेगा। इंटरफेज कंडीशन में जबकि सेल अभी डिवाइड न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ है उस समय ये आपको दिखने वाला है, इंटरफेज कंडीशन उसको बोलते हैं। इंटरफेज कंडीशन में आपको न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ है ये सब आपको दिखेगा, चाहे वो क्रोमाटीन हो कुछ भी हो ये सब दिखेगा जबकि इंटरफेज कंडीशन। इंटरफेज कंडीशन अब ध्यान देंगे कि थोड़े से इसके हम डायग्राम की ओर नज़र डालते हैं और जो भी लेबलिंग किया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस क्रिएट है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। और देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं, विस्कस फ्लूइड जो इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, ये हर जगह होता है मैट्रिक्स। जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ये चीज़ मौजूद है मैट्रिक्स, तो वहाँ क्या इसके क्या बोलते हैं, अगर सेल है ये न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस के बाहर जो मौजूद है ये सब न्यूक्लियस के आउटसाइड द न्यूक्लियस सेल के अंदर, सो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। सेल के मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। समझिए ये आउटर मेम्ब्रेन, और देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को अगर हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन प्लस इनर मेम्ब्रेन को जोड़ देंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आउटर मेम्ब्रेन प्लस इनर मेम्ब्रेन इज इक्वल टू न्यूक्लियर इन्वेलप्स। अब ध्यान देंगे हर एक मेम्ब्रेन के बीच में कुछ आपको देख रहे हैं कि स्पेस है। स्पेस के कारण इसमें कुछ अगर ट्रांसपोर्टेशन होना रहेगा तो इसके लिए तो जरूरी है कि स्पेस रहे, कोई पोर्स रहे। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं के बीच में कोई स्पेस है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोला जाता है इसको। सारा चीज़ क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक धागा धागा स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोला जाता है क्रोमाटीन। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमाटीन बोलते हैं इसको। ये वाला इसके बारे में बताया जाएगा। यही क्रोमाटीन क्या होगा ना, कंडेंस्ड होता है तो जाके वहाँ फाइनली क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? क्रोमाटीन ही आपका कन्वर्ट होता है किसमें? क्रोमोसोम बना लेगा। अभी आगे हम आ रहे हैं। उसके अलावे सेल के जो कंपोनेंट है, देखिए सेल का अगर कोई कंपोनेंट पूछेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर इन्वेलप डायरेक्टली बोल सकते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंतर्गत ही आ गया आपका क्या? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को जोड़ने। ठीक है, न्यूक्लियोलस, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। जो देख रहे हैं डार्क कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियोलस में प्रोटीन सिंथेसाइज का साइट से कैसा होता है? अब कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ये जानते हैं, राइबोसोम में। राइबोसोम क्या होता है? ध्यान रखिए राइबोसोम दोनों के लिए था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के लिए था ऑर्गेनो। लेकिन राइबोसोम पर कि आप रखे हो नॉन बॉन्डेड मेम्ब्रेन, उसमें कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, उसमें कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ भी क्या है, ये जो देख रहे हैं न्यूक्लियोलस जो है यहाँ पे इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं, ये फिर मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, कह सकते हैं नॉन बॉन्डेड मेम्ब्रेन है। तो आप ध्यान देंगे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये चीज क्लियर हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए आपके। अब ध्यान देंगे क्रोमाटीन को मैं समझाता हूँ। कहता है क्रोमाटीन्स क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, ध्यान रखेंगे। अब क्रोमाटीन्स, क्रोमाटीन्स इज मेड अप ऑफ, सवाल आता है, क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि क्रोमाटीन इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ है क्रोमाटीन? तो आपने जान के रखा है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं आप डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमाटीन की बात कर रहे हैं। तो क्रोमाटीन व्हाट, किस चीज़ से बना हुआ है? अगर क्वेश्चन आ जाएगा क्रोमाटीन इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट, तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है आरएनए भी है। तो ध्यान देंगे
कि क्रोमाटिन जो बना है निकुलिक एसिड से बना हुआ है। और निकुलिक एसिड्स में कौन कौन आता है? डीएनए और आरएनए आता है, तो निकुलिक एसिड से बना हुआ है। और ये है हिस्टोन प्रोटीन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसका डिस्कशन आगे होगा आप जब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन के बारे में आगे के लेक्चर्स में। क्रोमाटिन इज इक्वल टू निकुलिया किस निकुलिक एसिड, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कभी कभी ये भी हो सकता है कि निकुलिक एसिड के जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं निकुलिक एसिड्स अगर है, इसके मतलब क्या है? आरएनए प्लस डीएनए, इसके मतलब है क्रोमाटिन क्या हो गया? आरएनए है, डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमाटिन। इज इट क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये चीज है। अब देखिए क्रोमाटिन जब होता है, जब सेल डिवीजन होता है, तो जब भी सेल डिवीजन होगा तो क्रोमाटीन क्या होगा? कंडेंस्ड होता है। कंडेंस होने के बाद क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है सेल। इसके मतलब है क्रोमोसोम आपको कब दिखने वाला है? निकुलियस दिखता है इंटरफेज में, ठीक है। निकुलियस क्या दिख रहा है आपको? निकुलियस जो दिख रहा है कहाँ दिख रहा है आपको? निकुलियस इंटरफेज में दिखता है। जब निकुलियस क्या होता है वहां पर डिवाइड नहीं होता, इसके मतलब क्रोमाटीन भी आपको कहाँ पे दिखेगा? इंटरफेज में दिखेगा क्रोमाटीन। लेकिन क्रोमोसोम कहाँ दिखेगा? क्रोमोसोम दिखेगा आफ्टर सेल डिवीजन, ध्यान रखिएगा। सेल के डिवीजन के बाद ही क्रोमोसोम से आपकी मुलाकात होने वाली है, और बिफोर सेल डिवीजन आप क्रोमाटीन क्रोमाटीन से मिल सकते हैं, ओवरऑल निकुलियस से आप मिल सकते हैं बिफोर सेल डिवीजन। तो अगर क्रोमाटीन सेल डिवीजन में गया तो ये क्या बनाया? डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम बनाया। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है आपने पढ़ के रखा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आ रहा हूँ, ठीक है। पेयर कंडीशन में होते हैं क्रोमोसोम, जैसे कि ह्यूमन बींग में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होता है इन 23 पेयर होता है, जो कि आप बोलते हैं कि 22 पेयर ऑटोसोम है, बाकी जो है एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो कि जर्मिनल सेल होता है, कह सकते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन होता है, एक होता है डिप्लॉइड कंडीशन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि क्रोमाटीन बिफोर सेल डिवीजन, क्रोमोसोम आफ्टर सेल डिवीजन क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को भी डिवीजन डिवाइड किया गया है, क्रोमोसोम को भी क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। तो क्रोमोसोम आपका डिवाइड होने के बाद दिखेगा, और क्रोमाटीन बिफोर सेल डिवीजन आपको दिखने वाला है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ डिफरेंट प्रकार के क्रोमोसोम से, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट जल्दी से कवर कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ डिफरेंट प्रकार के क्रोमोसोम से आपकी मुलाकात होगी। तो डिफरेंट प्रकार के जो क्रोमोसोम है, क्या क्या नाम है उसका? क्रोमोसोम का प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को बोला गया है सबसे पहले है मेटासेंट्रिक। क्या है? मेटासेंट्रिक। इसके बाद क्या है? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद जो क्रोमोसोम है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और फाइनली है टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो देखिए इसमें क्या है, क्रोमोसोम का देखिए स्ट्रक्चर्स दिखा हुआ है, ठीक है। पेयर कंडीशंस में होते हैं क्रोमोसोम। अगर ये सेंट्रोमियर, इसको बोला जाता है जहाँ पे दो आर्म, जो दो आर्म का जहाँ पे अटैचमेंट होता है, जहाँ पे अटैच होता है उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। जहाँ पे दो आर्म अटैच होगा उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और अटैच होने के बाद जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अटैच होने के बाद जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कैनेटोकोर, कैनेटोकोर बोला जाता है। क्लियर? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अटैच होने के बाद डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा इस टाइप से, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैनेटोकोर। तो अगर ये मिडिल पे है, अगर ये सेंट्रोमियर मिडिल पे है, उसको आप बुलाओगे मेटासेंट्रिक। उसको क्या बुलाएंगे? मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा मिडिल के थोड़ा सा ऊपर है, मिडिल के थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है, स्लाइटली ऊपर है, तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। अब क्या है कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला, ये मिडिल के थोड़ा सा ऊपर है, और यहाँ पे देखिए कि आपका एक आर्म क्या हो रहा है? ज़्यादा लंबा हो रहा है। उधर वाला आर्म क्या होता है? ये कह सकते हैं एक आर्म शॉर्ट होगा यहाँ पे, ये हो गया शॉर्ट, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट। अगर शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है, उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एक आर्म वेरी शॉर्ट है, एक आर्म वेरी शॉर्ट है, और उसके बाद एक आर्म लॉन्ग है, वेरी शॉर्ट वाला को लास्ट वाला, ये वेरी शॉर्ट, ये वेरी शॉर्ट, इसको बोलते हैं, ऐसे याद रखिए,
ये वेरी शॉर्ट हो गया, ये हो गया शॉर्ट हो गया, इस स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, और ये होगा मिडिल, मिडिल स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, शॉर्ट आर्म वेरी शॉर्ट आर्म, इसको बोलते हैं, ये हो गया डिविजन ओवरऑल क्रोमोसोम का, ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। अब कुछ देखिए आपको ध्यान में रखना है कि क्रोमोजोम की संख्याएं वगैरह ये सब आपको ये चीज़ याद करने वाली बात है जो बताने जा रही थी कि मान लीजिए नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, जैसे कि पोटैटोज होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होता है 48 है, ये तो याद रहे, जिसको बोलते हैं सोलोमन ट्यूब्रोसोम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है सोलोमन ट्यूब्रोसोम पोटैटो, देखिए पोटैटो कुछ का याद रखिए, जैसे पोटैटो का 48 होता है, पोटैटो क्या होगा 48 होगा, उसी तरह चिंपैंजी का होता है, चिंपैंजी यहाँ भी 48 होता है, कुछ चीज़ याद रखेंगे। ह्यूमन बींग्स तो जान रहे हैं, ह्यूमन बींग्स का होता है क्रोमोसोम 46, ये चीज़ है। तो ये हो गया डेप्लॉइड कंडीशन, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में वही क्या हो जाए, हैप्लॉइड कंडीशन अगर देते हैं ये 48 है तो 24 हो जाए, हैप्लॉइड कंडीशन 48 है, 24 46 है तो 23 इन हैप्लॉइड कंडीशन होगा। ये सब ध्यान में रखिए, जैसे कि आपका पी है जिसको पायोजे पायजन सटाइवम बोलते हैं, उसमें होता है 14 होता है, 14 उसका अगर डेप्लॉइड कंडीशन होगी 14, अगर हैप्लॉइड कंडीशन देखें तो 7 हो जाएगा। उसी तरह से ओनियन है 16 है 8 है, ओनियन जिसको ओलियम सिपा बोलते हैं, पी को पायजन सटाइवम बोलते हैं। उसके बाद फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई को क्या बोलते हैं, इसमें 8 रहता है 4 हो जाता है। तो फ्रूट फ्लाई में क्या होता है आपका, जैसे कि इसको बोला है ड्रोसोफिला, इसका नाम क्या है आपका ड्रोसोफिला मेलनकास्टर उसको बोला जाता है, ये है चीज़, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो आई थिंक आप इतना बात को ध्यान में रखें, न्यूक्लियस आपका आप पढ़ने आपको जो भी बुक उठाओगे आपको क्लियरली न्यूक्लियस समझ में आने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।